बिहार में इन दिनों सियासी माहौल चिड़चिड़ा हो गया है और सबसे ज्यादा चिड़चिड़े नजर आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इस बार ऐलान किया है कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ये करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए था, फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था लेकिन वो जबरदस्ती पीछे पड़कर आए। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे लेकिन इन्होंने जो किया सबने देखा, हम लोगों ने इन्हें कितनी इज्जत दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था, और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, कहते कहा करे भाई, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था, सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कह के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते रहते, तो अटल जी का जो भी था, लालकृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। नीतीश कुमार का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे पहले जब उपेंद्र कुशवाहा एम्स में भर्ती हुए थे तब उनकी फोटो भी कुछ बीजेपी नेताओं के साथ सामने आई थी। इसके बाद कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, लोग कहते हैं कि हम जेडीयू छोड़ने वाले हैं। हमने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है, पार्टी की कमजोरी के बारे में, जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1-to-1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हुई है, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे, मेरे लिए 1-to-1 बात हो रही थी। इससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि अब बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेगी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन के लिए अब बोझ बन चुके हैं। नीतीश में वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता खत्म हो चुकी है। 2020 में अगर पीएम मोदी ने बिहार में प्रचार नहीं किया होता तो जेडीयू 15 सीट नहीं जीत पाती। उन्होंने कहा कि नीतीश के चले जाने से बीजेपी के लोग खुश हैं। अब सवाल यह है, क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं? बीजेपी और आरजेडी दोनों नीतीश कुमार की ओट में अपनी अपनी राजनीति कर रही है, और क्या जो हाल आज नीतीश कुमार का नजर आता है उसके पीछे भी खुद नीतीश कुमार की ही महत्वाकांक्षा जिम्मेदार नहीं है? सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ एक, इंतजार कीजिए अगले चुनाव का, क्योंकि अगली बार किसी भी गठबंधन में नीतीश कुमार को नेता चुनना बीजेपी और आरजेडी
दोनों के सब्र का आखिरी इम्तिहान हो सकता है। बाकी सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए नीतीश कुमार के इस बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि वो मर जाएंगे मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।